आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो इस क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो पहले जानते हैं कि स्लेटर्स रूल होता क्या है। जल्दी से स्लेटर्स रूल होता है कि मान लो एक न्यूक्लियस है, इस पे जैसे जानते हैं कि ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो अगर इसमें प्रोटॉन्स रहते हैं और आउटर वाले मोस्ट शेल में मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे कि वो जानते हैं कि एफ एक्चुअल ये क्या होता है, के इंटू जेड ई माइनस ई इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर। लेकिन असल में क्या होता है कि इसके बीच में ऐसे इस शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो भी इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स में होंगे। तो इसके वजह से बस जो इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन में, वो कम हो जाता है। तो मान लो अगर वो एफ इफेक्टिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव, सो इट इज़ लेस देन एफ एक्चुअल। और वो कितना कम होता है, तो उसको मेजर करते हैं हम लोग एक स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट से। इसको ये जो इफेक्ट है इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाकी इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट ऐसे, इसको जेसी स्लेटर स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पूछा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है रिप्रेजेंटेड बाई जेड इफेक्टिव, इट इज इक्वल टू जेड माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। जेड यहाँ पे एटमिक नंबर है और यहाँ पर ये एस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग को पता करना है ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन सबका, लास्ट इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना बोला जाए, तो सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। और पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, ठीक है। अब बारी बारी से सबका s का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो अगर ये जो लास्ट ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं n, ये हो जाएगा n-1। तो अगर बस इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो इसके अलावा आखिरी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पहले ऑर्बिटल में जाएंगे। इसके पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, ठीक है। तो इसके s में बस यही दो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.85, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.7। तो इसका जो जेड इफेक्टिव का वैल्यू आएगा, वो आएगा जेड इफेक्टिव, इसका एटमिक नंबर हो गया 3 माइनस 1.7, सो ये हो जाएगा 1.3, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग अगर सोडियम पे आएंगे, तो क्या है, इसके इस ये हो जाएगा nth ऑर्बिटल, ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा n-2, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल पे निकालना है, तो इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, और आखिरी ऑर्बिटल में बस एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर जैसे कि आखिरी ऑर्बिटल में बस वही एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे आखिरी ऑर्बिटल का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो एन माइनस वन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, s2 और p6 मतलब 8 इंटू एन माइनस वन में कितना इफेक्ट देता है, 0.85, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 0.85, प्लस इससे पहले जितने भी है उनका इफेक्ट होता है 1, और n माइनस टू ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1, इसको ऐड करने पे आएगा 8.8। इसका z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और
स्क्रीनिंग कांस्टेंट आया 8.8, तो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 2.2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पोटेशियम के लिए, ठीक है। तो इसमें भी वही केस है, आखिरी ऑर्बिटल में बस वही इलेक्ट्रॉन है और उस पर ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो और इसमें क्या हो रहा है कि कोई और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इफेक्ट दे, तो इसके n माइनस वन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0.85। इससे पहले के जितने भी वो ऑर्बिटल है, जैसे n माइनस टू, फिर ये n माइनस थ्री, तो ये सारे इफेक्ट कितना देते हैं, एक ही देते हैं, 1। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 2, 4, और 4, 6, मतलब 10, मतलब 6 + 2 + 2, 8, 10। तो ये हो जाएगा 10 × 1। इसको ऐड करेंगे तो S का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16.80। अब इसका अगर Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहें तो ये आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है 16.80, सब्सट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, 2.20। तो यहाँ देख सकते हैं कि लिथियम का Z इफेक्टिव है 1.3, सोडियम का Z इफेक्टिव है 2.2, और पोटेशियम का भी Z इफेक्टिव है 2.2। तो इनका वैल्यू ध्यान में रखते हुए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का इक्वल में बस एक ही है, पोटेशियम और सोडियम। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।